सो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ का सीन कितना अच्छा है। भटकल से सागर रोड जाने का ये रास्ते में, सागर रोड के रास्ते में ये आपको हैंगिंग ब्रिज मिलेगा और ये अच्छा सीन है। अभी आपको हैंगिंग ब्रिज के पास जाने के लिए मैं आपको एड्रेस बताता हूँ, आप मुझे इस वीडियो को फॉलो कीजिए और मैं आपको पूरा एड्रेस बताऊंगा। ये भटकल का सर्कल है और मुझे अभी लेफ्ट साइड सागर रोड जाना है, तो आप मेरे साथ जर्नी कीजिए, आपको मैं हैंगिंग ब्रिज के पास लेके जाऊंगा और पूरा एड्रेस भी बताऊंगा कि आपको कहां कहां से जाना है और किस तरीके से जाना है। तो चलिए वीडियो पे आप बने रहिए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे भटकल के पास जो पार्क है, ये पार्क के पास अभी हमें, अब ये पार्क पार्क करके गुलमी से जो रोड निकलता है सागर रोड, अभी हम वहाँ पे हैं। अब इसके आगे जाएंगे, यहाँ पर आपको बस स्टैंड मिलेगा जो कि सागर रोड के अंदर बस स्टैंड है, ये बस स्टैंड का एड्रेस है। आप यहाँ का सीन देख सकते हैं कि कितना अच्छा सीन है गाइस। सो यहाँ का इतना अच्छा सीन है ना, बहुत ही यहाँ का हरियाली जो आप देखेंगे बहुत ही मज़ा आएगा देखने के लिए। आप देख सकते हैं राइट साइड लेफ्ट साइड इतना अच्छा सीन है। सामने एक ढाबा दिख रहा है तो हम वहाँ पे रुकेंगे और रुकने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है। एक ढाबा है और हम ढाबे के पास जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको राइट साइड में एक छोटा सा ढाबा मिलेगा, यहाँ पर आपको गोभी मंचूरी, समोसे, बनाना और बटाटे वड़ा और क्या बोलते हैं यहाँ पे जूस, चाय, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक और पानी सब कुछ यहाँ पे मिलता है। तो आप यहाँ पर भी जाकर आप नाश्ता वगैरह करके आगे बढ़ सकते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. आपको यहाँ पर आगे एक छोटा सा झोपड़ी मिलेगा, इसको पार करके आगे चलते जाना है। Thank you.
यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में एक रोड मिलेगा, आपको उसको पार करके आगे जाना है। और यहाँ पर आपको सामने एक फर्स्ट ब्रिज मिलेगा, उसको भी ब्रिज को पार करना है। अगर आपको यहाँ पर रुकना है तो आप यहाँ पर रुक के यहाँ का सीन देखकर आप आगे जा सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये नेक्स्ट ब्रिज मिलेगा, आपको इसको भी पार करना है। अगर यहाँ पर आपको फ़ोटो वीडियो वगैरह कुछ करना है तो आप कर सकते हैं, यहाँ का भी सीन बहुत ही अच्छा रहता है। सकते हैं कि ये हैंगिंग ब्रिज के पास आप जाने के लिए यही वो रास्ता है, और यहाँ पे आपको एक छोटा सा बस स्टॉप मिलेगा यहाँ पे। आपके बाद यहाँ से देख सकते हैं कि ये रास्ता अंदर गया है, और ये मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूँ यहाँ का। ये देख सकते हैं कि आप ये बोर्ड देखकर आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको हैंगिंग ब्रिज मिल जाएगा, यही वो रास्ता है। यहाँ पे एक देख सकते हैं कि ये एक झाड़ है और ये यहाँ से रास्ता गया है, ऐसे ये रोड आता है। और यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे आपको एक बस स्टॉप मिलने के बाद आपको यहाँ पर से अंदर जाने का रास्ता मिलता है, यही पे और यही वो रास्ता है हैंगिंग ब्रिज जाने के लिए। सो गाइस, अभी हम चलते हैं आगे और देखते हैं आगे जाके आपको और भी कुछ एड्रेस मिलेगा तो उसको फॉलो करते हुए जाना है। सो फ्रेंड्स, आपको इस गांव में भी एक छोटा सा सामने दुकान मिल जाएगा, जो कि देख सकते हैं यहां पर एक दुकान है, और यहां पर आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह, चिप्स वगैरह सब मिलेगा। सो गाइस, अभी फाइनली हम यहां पर पहुंच चुके हैं, आपको बस इसको पार करना है, और पार करने का सा है लेफ्ट साइड आपको टर्न करके जाना है, और सामने ही आपके ब्रिज आएगा। यहां पे एक थोड़ा सा आपको सीन्स वगैरह अच्छा मिल जाएगा, उसके बाद आपको यहां पर ब्रिज मिलेगा, ब्रिज के पास आप जाने के बाद पूरा आपको सीन दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हैंगिंग ब्रिज के पास आया है, जो कि सागर रोड में हैंगिंग ब्रिज है। ये वो देख सकते हैं कि वहाँ पर वो हैंगिंग ब्रिज है, तो चलिए हम वहाँ पर आके देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये साइड में यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, ये हैंगिंग ब्रिज के पास यहाँ पे पार्टी वगैरह करने के लिए भी बहुत अच्छा है जगह। यहाँ पे देख सकते हैं इसके कितना अच्छा यहाँ का सीन है। और आगे जो है ये ब्रिज यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, अगर आप कार लेकर आए तो थोड़ा स्लो से आए, नहीं तो आप सीधा नीचे चले जाएंगे। तो चलिए मैं वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ का कितना डेंजर यहाँ पर का रोड है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे इधर रोड डिटेंड हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और यहाँ पर से आपको रोड नीचे जाता है, जो कि वहाँ पे हैंगिंग ब्रिज है। यहाँ का सीन देख सकते हैं कि यहाँ का सीन कितना अच्छा सीन है यहाँ का। ये ब्रिज इधर से है और एक रास्ता उधर से भी है, वहाँ से एक रास्ता जो चढ़ के जाने का है, उधर से कार नहीं जाता है, बाइक जाता है और चल के जा सकते हैं, यहाँ पर से कार जाता है। तैरने गिरने के लिए अगर आपको आना है तो यहाँ पे बहुत अच्छा तैरने के लिए पानी मिलेगा। पहले यहाँ पे जंगल जैसा था, अभी अच्छा साफ हुआ है। का हैंगिंग ब्रिज है, और मैं यहाँ पर का आपको वीडियो पूरा दिखाता हूँ आपको। तो चलिए हम देखते हैं कि वहाँ ये कैसा ब्रिज है, और वहाँ पे चढ़ने के बाद कैसा दिखता है और कैसा लगता है।
इस तरीके से ये झूल रहा है ये, तो इसके लिए इसका नाम हैंगिंग ब्रिज रखा गया है। तो चलिए हम वहाँ तक जाके देखते हैं ये कैसा है। मैं आपको इधर से भी दिखाता हूँ, यहाँ से देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सामने से जो रास्ता दिख रहा है वो my appetite. Don't leave me here.